हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे टाइक मंथन चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे AI और PC होते हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं ऑल इन वन PC। दोस्तों आपने देखा होगा काफी जो कंपनी है मतलब बने बनाए आपको जो AI और PC देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे AI और PC होते हैं क्या इनको लेना जो फायदेमंद होता है या फिर नुकसान होता है। मतलब यहाँ पे मैं आपको जो इस PC के फायदे और नुकसान बताने वाला हूँ पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों इन सभी सवालों के मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा ऑल इन वन पीसी होता है इसमें होता क्या है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि आपको बड़ी सी स्क्रीन के साथ वहां पे क्या होता है उसके बैक साइड में जो सभी पार्ट है उसके पीछे लगे होते हैं। मतलब वहां पे क्या होता है कि लैपटॉप की तरह ही होता है। वहां पे लैपटॉप में आपने देखा होगा कि वहां पे जो स्क्रीन अलग से होती है और नीचे जो होते हैं हमारे जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर कीबोर्ड होता है। पर यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो ऑल इन वन पीसी में क्या होता है कि हमारे जो फ्रंट साइड में डिस्प्ले होती है और बाकी जितने भी पार्ट होते हैं, मतलब मान लीजिए मदरबोर्ड हुआ, रैम हुआ, हार्ड डिस्क हुई, या फिर मान लीजिए उसमें सॉलिड ड्राइव गया, या फिर मान लीजिए कि वहां पे जो उसके अंदर आपको जो इनबिल्ट स्पीकर मिलते हैं, मतलब आपको सभी चीज उसमें एक कॉम्पैक्ट तरीके से मिल जाती है। अगर दोस्तों वहां पे उसका आप एक्सप्लोर्ड व्यू देखोगे ऑल इन वन जो पीछे होता है, तो उसमें आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि वहां पे आपको सभी पार्ट्स देखने को मिलेंगे और वो जो होते हैं बिल्कुल हमारी स्क्रीन के बैक साइड होते हैं। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो ऑल इन वन पीसी होते हैं, तो यहां पे दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इनका जो फायदा क्या था और नुकसान क्या था। सबसे पहले हम यहां पे दोस्तों फायदे की बात करते हैं। यहां पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो इसका फायदा था वो होता है कॉम्पैक्ट साइज। यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि लैपटॉप की तरह इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। पर यहाँ पे आकर दोस्तों मान लीजिए कि आपके वहाँ पे स्क्रीन काफी बड़ी है, मतलब मान लीजिए 24 इंच से ऊपर है, मतलब उसमें आपको जो 32 इंच या उससे ऊपर की अल्ट्रा वाइड स्क्रीन के साथ आपको जो ऑल इन वन पीसी देखने मिलते हैं, तो वहां पे उनको थोड़ा बहुत इधर उधर ले जाना मतलब कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। पर दोस्तों अगर आपको ये चाहिए कि वहां पे आपका जो पीसी हो, मतलब यानी कि वर्क काम करने के लिए मतलब कॉम्पैक्ट साइज होना चाहिए, बड़ी स्क्रीन के साथ होना चाहिए, तो और वहां पे वो जगह ज्यादा ना घेरे, वहां के लिए जो पीसी होता है ऑल इन वन पीसी जो होता है बहुत ही बेहतर होता है। और उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर चीज जो आती है वो आती है यहाँ पे जो इसके यहाँ पे बिग साइज मॉनिटर। आप दोस्तों देखेंगे लैपटॉप अगर बाय करते हैं आप उसी प्राइस रेंज में, तो आपको वहां पे इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं देखने को मिलती है। मतलब आपको वहां पे 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच की जो स्क्रीन देखने मिलती है, पर यहाँ पे दोस्तों आप 24 इंच से ऊपर इंच की अगर कोई स्क्रीन बाय करना चाहते हैं मतलब ऑल इन वन पीसी, तो वो भी आप बड़े आराम से बाय कर सकते हैं। मतलब आपको काफी जो मॉडल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों इसमें ये फायदा होता है, मतलब यहाँ पे आपको जो प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ पे काफी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि बड़ी स्क्रीन के साथ साथ आपको वहां पे जो कहीं जो डिस्प्ले होती है वो टच स्क्रीन भी मिल जाती है, तो वहां पे इसमें काफी जो फायदा होता है आपको। मतलब यानी कि अगर आप मान लीजिए ऑफिस पर्पस के लिए वहां पे इसको बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इसमें बहुत फायदा होता है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरे नंबर पर आता है वो आता है एनर्जी एफिशिएंट। ये जितने भी ऑल इन वन पीसी होते हैं एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे डेस्कटॉप पीसी में जैसे बहुत बड़ी पावर सप्लाई लगती है और वो काफी वाटेज करती है, पर यहाँ पे दोस्तों इसमें जितने भी अडेप्टर लगते हैं मतलब वो क्या होता है कि प्लग होता है, मतलब आपकी स्क्रीन के बैक साइड पर रहता है जिससे पावर से चलती है। और यहाँ पे इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी नहीं करते, तो ये जो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करती है जिसकी वजह से यहाँ पे बिल भी कम आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो एनर्जी एफिशिएंट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें ये फायदा होता है। उसके बाद चौथे नंबर पर जो चीज हमें मिलती है इसमें वेब कैमरा। मतलब आप ऑल इन वन जितने भी पीसी देखेंगे वहां पे आपको वेब कैमरा उसमें पहले से मिलेगा और वो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है, तो वहां पे आप उसके टॉप पे देख सकते हैं कि वहां पे आपको वेब कैमरा पहले से मिलता है। उसके बाद दोस्तों अगले जो यहाँ पे चीज आती है मतलब पांचवें नंबर पर वो क्या आता है कि इसके अंदर इनबिल्ट आपको वाईफाई का सपोर्ट मिलता है या ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है। जैसे डेस्कटॉप पीसी में हमारे होता है कि मदरबोर्ड वहां पे अलग से बाय करना पड़ता है, मतलब वाईफाई वाला है ब्लूटूथ वाला, नहीं तो वो सिंपल मदरबोर्ड होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि ऑल इन वन जितने पीसी होते हैं उसमें लैपटॉप की तरह आपको जो इनबिल्ट वाईफाई और जो ब्लूटूथ मिलता है, जिससे आप जो वायरलेस कनेक्टिविटी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें जो आपको वायरलेस कनेक्टिविटी का काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज यहाँ पे आती है वो आती है इनबिल्ट स्पीकर। इसमें आपको दोस्तों इनबिल्ट स्पीकर देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पीकर लेने की जरूरत नहीं है जिससे आप वहाँ पे साउंड सुन सके। यहाँ पे आपको इनबिल्ट स्पीकर मिलते हैं, मतलब जितने भी ऑल इन वन पीसी होते हैं उसमें आपको ज्यादातर जो इनबिल्ट स्पीकर का सपोर्ट देने मिलता है। यहाँ पे दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। उससे बाद दोस्तों अगली चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आप यहाँ पे इतना केबल का झंझट नहीं होता। जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पीसी में आप देखेंगे कि वहां पे जो वायर का काफी ज्यादा झंझट होता है, मतलब मदरबोर्ड से अगर कैबिनेट में लेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा वायर्स होती है। और साथ में क्या होता है कि अगर वायरलेस टाइप ले भी लेंगे तो वहां पे जैसे मान लीजिए टावर होता है उससे वहां पे जो केबल जाएगी मॉनिटर पे, फिर पावर के लिए अलग, मतलब काफी जो जंजाल बन जाता है वहां पे केबल का।
पर यहाँ पे दोस्तों इसमें सिंपल क्या था कि एडाप्टर की केबल लगती है और उससे बाद सीधा आप जो दोस्तों इसमें बड़े आराम से मतलब आपको इतने केबल का झंझट वहां पे नहीं होता, तो यहाँ पे इसमें बहुत बड़ा फायदा होता है। उससे बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसको मान लीजिए आप इधर से उधर भी रखना चाहते हैं, मतलब बड़े आराम से, मतलब आपको क्या करना है, सिंपल एडाप्टर लेना और आपको स्क्रीन उठानी है और आप दूसरी जगह पर रख दीजिए और फिर आप अपना जो एडाप्टर पावर इन कीजिए और आप बड़े आराम से इसका यूज कर सकते हैं। मतलब इधर उधर भी आप रखना चाहते हैं इसको बहुत जल्दी से मैं तो रख सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया इसके फायदे के, आप दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको कमी क्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो आपको कमी देखने मिलती है वो देखने को मिलती है कि यहाँ पे रिपेयरिंग, अगर जो मान लीजिए इसकी कोई चीज खराब हो जाए तो वहाँ पे रिपेयरिंग करना से बड़ा मुश्किल होता है। जैसे डेस्कटॉप पीसी में कोई पार्ट खराब हो जाए तो उसे आप निकाल कर अपने आप लगा सकते हैं, पर यहाँ पे दोस्तों जैसे लैपटॉप को रिपेयरिंग करना मतलब खुद खोलना बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पे भी इसको भी खोलना बड़ा मुश्किल होता है, आप खुद से नहीं कर सकते, इसमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई चीज खराब है और वहाँ पे इसे रिपेयरिंग करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। और दूसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पे आता है इसमें जो पार्ट्स, मतलब यहाँ पे क्या आता है कि अगर मान लीजिए इसके कोई यहाँ पे जो पार्ट्स खराब हो गए तो वो मिलने बड़े मुश्किल होते हैं। अगर मान लीजिए आपको मिलेंगे तो काफी महंगे पड़ते हैं आपको, मतलब काफी कॉस्टली होते हैं। जैसे लैपटॉप के पार्ट आपको काफी कॉस्टली देखने मिलते हैं, यहाँ पे ऑल इन वन जो के पीसी होते हैं उसके भी पार्ट्स आपको काफी कॉस्टली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये होगी इसमें दूसरी एक कमी। उससे बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसमें अगली कमी आपको क्या देखने मिलती है। यहाँ पे दोस्तों अगली कमी आपको देखने को मिलती है कि ये जितने भी ऑल इन वन पीसी होते हैं ये गेमिंग पर्पज के लिए नहीं होते, आप सिर्फ इसमें अगर जो हल्की फुल्की गेम खेल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका प्रोसेसर काफी अच्छा है, अगर मान लीजिए आपका i3 प्रोसेसर हुआ या i5 हुआ और आप उसमें गेम खेलना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको हीटिंग इशू बहुत ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोस्तों बता दिया कि इसके अंदर लैपटॉप की तरह हीट सिंक होती है, मतलब छोटी सी हीट सिंक होती है जो इतना टेम्परेचर मैनेजमेंट नहीं कर सकती। वहां पे दोस्तों ये जो गेमिंग पर्पज के लिए नहीं होते, सिर्फ आप हल्की फुल्की जो गेम होती है वो खेल सकते हैं, सिर्फ ये जो है होते हैं नॉर्मल वर्क पर्पज के लिए ही होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि ऑल इन वन जितने भी पीसी होते हैं इसमें जो हमारा जो प्रोसेसर होता है सिर्फ उसके अंदर ही इनबिल्ट चिप होता है, आपको एक्स्ट्रा से कोई यहाँ पे जीपी चिप देखने को नहीं मिलेगी। आप लैपटॉप में देख सकते हैं वहाँ पे आपको जीपी चिप होती है काफी देखने को मिल जाती है, मतलब वहाँ पे एनवीडिया की या एएमडी की वहाँ पे जो जीपी चिप देखेंगे अलग से, पर यहाँ पे ऑल इन वन पीसी के अंदर आपको जो जीपी होती है मतलब एनवीडिया की या एएमडी कितनी ज्यादा नहीं देखने मिलती, सिर्फ आपको वहाँ पे इनबिल्ट जो ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट होता है वही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें ये कमी होगी। उससे बाद दोस्तों अगली जो कमी इसमें है वो जो है अपग्रेड की, मतलब यहाँ पे क्या है आप इसका प्रोसेसर अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो लैपटॉप की तरह इसमें जो हमारे जो प्रोसेसर होता है मतलब मदरबोर्ड के ऊपर ही एम्बेडेड होता है। अगर मान लीजिए प्रोसेसर खराब हुआ या फिर मान लीजिए आपका कोई मदरबोर्ड खराब हुआ तो वहां पे आपका पूरा का पूरा मदरबोर्ड ही चेंज होगा, मतलब उसके साथ जो प्रोसेसर लगा हुआ वो भी। अगर मान लीजिए वहां पे मदरबोर्ड खराब हुआ फिर क्या होगा, आपको जो रिपेयरिंग करने वाले थे उनसे जो प्रोसेसर हटवा के मतलब बीजी वाला वहां पे फिर दोबारा लगाना पड़ेगा और वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें बड़ी कमी है। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ आप जो अपग्रेड कर सकते हैं वो यहाँ पे सिर्फ कर सकते हैं आप रैम या फिर आपके मान लीजिए यहाँ पे सॉलिड ड्राइव लगी है और या फिर मान लीजिए हार्ड डिस्क ड्राइव लगी है, मतलब उसको आप सिर्फ अपग्रेड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज को आप नहीं कर सकते। यहाँ पे दोस्तों बता दूं जितने भी ऑल इन वन पीसी होते हैं इसके अंदर आपको जो लैपटॉप वाली रैम होती है वो देखने को मिलती है, मतलब सोडियम टाइप वाली यहाँ पे आपको रैम देखने को मिलती है, मतलब जितने भी ऑल इन वन पीसी होते हैं आप दोस्तों जितने भी देखेंगे वहां पे आपको जो ऑल इन वन पीसी में जो हमारी सोडियम रैम होती है वही ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें ये है, तो वो आप देखिए कि वो जो है मतलब यानी कि जो हमारी नॉर्मल रैम होती है उसे काफी महंगी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो चीज आपको वहां पे जरूर देखनी पड़ेगी, मतलब आप वहां पे इतनी ज्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते अपने जो इस ऑल इन वन पीसी को। यहाँ पे दोस्तों इसमें एक बड़ी कमी है। उससे बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे जितने भी हमारे जो ऑल इन वन पीसी होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते। अगर दोस्तों आप वहां पे देखेंगे कि यहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाहते हैं, मतलब ये जो आपका काफी लंबे समय तक चले या फिर मान लीजिए आप इसमें थोड़ा बहुत हैवी काम भी करें तो उसके लिए नहीं है। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि धीरे धीरे करके जैसे इसमें कॉम्पैक्ट साइज है मतलब यानी कि स्क्रीन के पीछे सब कुछ होता है, तो वहां पे धीरे धीरे क्या है कि जब उसमें डस्ट जमनी शुरू होगी या फिर मान लीजिए कि वहां पे लोड पड़ना शुरू होगा तो हीटिंग प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेगा, वहां पे दोस्तों क्या है कि इसकी लाइफ जो होती है मतलब हर चीज की वो घटनी शुरू हो जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा कूलिंग सिस्टम है अच्छे तरीके से नहीं होता, जैसे वहां पे दोस्तों क्या है कि सब के सब आपने दोस्तों देखा हो जैसे लैपटॉप में होता है मतलब वहां पे हीट सिंक होती है और उसमें वहां पे ब्लोअर टाइप वाला फैन लगाता है, सेम इसी में भी इस तरह होता है। मतलब यहाँ पे जितने भी ऑल इन वन पीसी होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें आपको एक कमी देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों यहाँ पे ऑल इन वन पीसी आपको बाय करना है तो जो मैंने आपको जो फायदे और इसमें जो कमियां बताई है उसको ध्यान में रखकर ही इस चीज को बाय करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है एक नोटबुक वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।